welcome to our YouTube channel Shaboka. So आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज ये बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज मम्मा ने कहा था कि आज मुझे छुट्टी दे दे, तो आज बाजी हम बनाने जा रही हैं। किस काम से छुट्टी? ये भी तो बताए कुकिंग से। तो आज मम्मा ने कहा है कि तुम लोग करो किचन का काम, मतलब यानी कि वो कह रही है कि खाना आप तुम लोग बनाओ। तो आज मैं खाना बनाऊंगी और ये दोनों मेरे लिए कमेंट्री करेंगे, यानी कि बताएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना घर भी रिवील करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आज हम आपको किचन में लेके जा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अपना घर भी दिखाएं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे यूज़ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा, तो चलिए किचन में चलते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं कैमरे पे हाथ रख लेता हूं। किचन में आ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप। तो आज हम आपको पता है हमारे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, तो वो अवैस कर रहा है, यानी कि शूट अवैस कर रहा है। तो लेट्स गाइस हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग को। सो ये देखिए हमारे किचन में चला जाता है, और ये एक टीस्पून हमारे पास, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास चिली पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, 2 टेबलस्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया है, और ये हमारा होममेड घर का मसाला है, और ये हम आपको रेसिपी बात करते हैं। चलिए अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ, और ये हमारे पास चिकन भी है, सॉरी मैं भूल ही होता ना, ये हमारे पास चिकन है, 1 kg चिकन है, ठीक है। तो चलो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो पूरी इसके अंदर, तो हमें पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसका मतलब है कि मुझे कुकिंग आती है गाइस, तो मुझे ना सब्जी का सिर्फ मैं लोग ही बना सकती हूँ, सब्जी बना सकती हूँ। साकिब बाजी को कुकिंग आती है? यस ऑफ कोर्स। हां सो ये हमारे पास दही है, और ये कितना है भला, ये है 1/2 kg, ओ हाफ के जी कह रही हूँ, ये है मतलब 3 पाव जितना तो है हमारे पास, 300 ग्राम। हाँ 300 ग्राम ये भी ऐड करते हैं, सारा ऐड करते हैं इस तरह, साथ ही बड़ा वैस को भी कुकिंग आ जाएगी करना। और भाई हमें आती है, लेकिन अभी हम अंडा तो मैं बना लेता हूँ, वैसे चाय भी बना लेता हूँ। और ये इसके बाद हमारे पास ये 2 टेबलस्पून है अदरक लहसुन का पाउडर, और ये मैंने हम 3 टेबलस्पून हमारे पास, तो हम ले लिया। एक मिनट दिखाओ जरा सी, जरा अदरक लहसुन चिकन बहुत प्यारा है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। और सब कुछ मिक्स करने के बाद में आपसे 2 मिनट लगेंगे। बाय बाय। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये मिक्सिंग हो रही है कोरमे की, और ये शुरू हो गई है कुकिंग करना। तो चलिए देखते हैं मिक्सी में कितना टाइम लगता है। तो जब मिक्स हो जाएगा तो कैमरा मैन ऑन कर देगा कैमरे को, अभी जरा थोड़ी देर तक मिलते हैं। तो गाइस ये मिक्स हो गई है, खुदिया भाजी ने बहुत अच्छी मिक्स की है, देखें। सो गाइस मिक्सिंग हो गई है, यानी कि कितना शाइन आ रहा है, शाइन आ रहा है। हां शाइन आ रहा है। तो इसको मैरिनेट होने रख देते हैं, और फिर हम 2 मिनट में अपने, तो गाइस देख सकते हैं, ऑयल में हम अपना प्याज ऐड कर देते हैं तब तक, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं। तो गाइस अब हमारा ये ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और ये है 1 कप मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद ये मैंने 3 लार्ज साइज के प्याज लिए, और ये हमने कुछ लिया है, ये देखें गाइस, इधर रख के दिखा दो, इधर रख के उधर ऊपर, ठीक है। चलो एक मिनट गाइस हम गाइस, ये जीरा है, ये दालचीनी है, ये 2 दालचीनी है, मैं बताती हूँ, ये दालचीनी है, ये बड़ी इलायची है, क्लोव है, और ये बादियान के फूल है। और अब हम इसको इसके अंदर दिखाओ, फ्लेम हमारा ना स्लो ही है, ठीक है, मुझे सारा खाना बनाना आता है गाइस। गाइस आप फ्लेम देख सकते हैं, चलो प्याज कर देते हैं। तो गाइस इन लोगों को जरा डर लग जाए, तो एक मिनट हम बस अभी प्याज ऐड करके ना बस आपको दिखाती हूँ। चलो ठीक। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि प्याज ऐड हो गया है, खदीजा बाजी ने तो बड़ी बहादुरी से इसको डाल दिया, हम लोग तो बाहर निकल गए थे घर से, तो देख सकते हैं हम लोग तो डरते बहुत हैं। तो ये ऑयल उड़ता है, हमने ना ब्राउन होने तक का इंतजार करना है, और फिर हम आपसे मिलते हैं। सारे प्याज तो हम निकाल लेंगे, और इसके बाद में इसको पीस कर लेंगे। तो गाइस ये प्याज निकाल रही है, हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं, इसको प्याज निकालने दे। चलिए ठीक है। तो गाइस अब हम चिकन भी अपने ऑयल में डाल देंगे, और मैंने प्याज निकाल लिया, और उसे बस ग्राइंड करना है, और फिर हम जल्दी से उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही जब आपने जब उसको ग्राइंड करना है प्याज को दही के साथ, और बस इसमें ऐड कर देना है, सिंपल सी रेसिपी है। तो चले बस 5 मिनट में आपको मिलती है। चले मैं भी गाइस
रुक रहा क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो गाइस मैं आपको बात बताती हूँ कि मेरी मम्मा हमारे लिए इतनी मेहनत करती है खाना बना रही, तो मुझे पता चल रहा है कि मम्मा बड़ी मेहनत से खाना बनाती है। हम बस खा खू के कहते हैं अच्छा नहीं बनाया, तो ऐसे बस खा करें अपनी मम्मा का दिल, अपनी मम्मा का दिल आप ना वो खराब नहीं कह करें ऐसे कह के। और अगर आपकी अगर आपको हमारी वीडियोज गाइस अच्छी लगती है ना, तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोज को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बस हमारा खाना बनने ही वाला, थोड़ी सी देर रहेगी गाइस, बस इतना सा सब्र करना। साकिब आपको भूख लग रही है? साकिब रोने वाला हुआ भी इसको बहुत भूख लगी है क्योंकि हम आज थोड़े से लेट हो गए हैं, और मैं रो भी रहा हूँ क्योंकि आप सब लाइक भी नहीं करते। और अगर ना अच्छी लगी वीडियो तो फिर भी सब्सक्राइब करना है। नहीं नहीं हम वीडियो अच्छी बना रहे हैं, बस मुझे यकीन है आप लोगों को कमेंट की अच्छी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस, ये भूख की वजह से हो रहा है, ये भूख है। तो गाइस मैंने ना गलती से गाइस पहले ही डाल दिया थोड़ा सा तो मिक्सचर, तो ये थोड़ा सा ही रह गया था, मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जरा मैंने इसको प्याज के अंदर प्याज और इसको आपस में ग्राइंड कर लिया था, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी हम ऐड कर देंगे और थोड़ी देर बाद मिल। तो गाइस ये देखिए डल गई है और कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे बटन भी प्यारा लगता है, उसको भी दबा दें। गाइस ये बस बन गया हमारा खाना, बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना है और सब कुछ रेडी हो गया। गाइस मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, आपको पता ही है गाइस। यस बहुत अच्छी आती है। तो गाइस ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा, बस हम बाहर जा रहे हैं। तो गाइस मैं भी फाइनली व्लॉग में आ चुका हूं, ये थोड़े से सैड और से कहते हैं मेरा चेहरा दिखा था, मैं इतनी देर से मिला ही नहीं गाइस। गाइस सच्ची में बड़ी भूख लग रही है, आप देख सकते हैं बस कितना प्यारे लग रहे हैं उसमें पानी आ रहा है। बस गाइस और इंतजार नहीं हो रहा, मैं जान उससे नहीं होगा। तो गाइस आज हमें सिंधी लड़की बनी हुई है, गाइस देखिए आपके लिए क्या मिल रहा है। सो गाइस और अगर खाना भी ना पंजाबी टाइप का बनाया है, क्योंकि ये लोग देख सकते हैं गाइस आप खाना भी भूल गए अपना। और गाइस वो ना गाइस वो मैं आपको बताना चाहती थी कि ये लोग कहते कि तुमने इंट्रो में बताया था कि तुम्हें स्टेक पसंद है, तो मुझे वैसे ये खाने बहुत पसंद है गाइस, लेकिन आई एम ऑन डाइट गाइस। तब्दीली गाइस तब्दीली हो रही है, देसी बंदे हैं देसी। नहीं गाइस मैं डाइट पे थी तो इस वजह से, लेकिन आज मैंने कह दिया आज मैं डाइट पे नहीं हूँ, तो मैं क्योंकि बड़ी पतली हूँ पहले मैं, तो मैं डाइट पर अब नहीं हूँ गाइस, तो बस खाना बनने ही वाला गाइस। आई होप गाइस पेट में थोड़े मिनट बाद यहाँ पर आप भी लोग को एंजॉय करते होंगे, क्योंकि हम बड़े ही अपने प्यार से बनाते हैं और आप प्यार से लाइक करते हैं, हम अपना ये सब लोग बनाते हैं। तो आई होप सो कि आपको हमारे ब्लॉग, तो चैनल का तो होस्ट साकिब भी है क्योंकि सारी बातें तो उसको ही आती है। हाँ साकिब बड़ी बातें आती है गाइस, और ये अपने स्कूल में भी बड़ा फेमस लड़का है, फेमस हुआ है और फीलिंग वेरी इजी, तो मैं इसलिए ये रेसिपी आपने कुछ भी हो वो आप मुझे दाम में दे दें, हम यूं चुटकियों में कर देंगे। चलो ऐसे चले गए फिर, बस हम खाना बनने वाला, फिर मैं आपसे मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस हम ये एक वन टेबल स्पून ना मैं इसके अंदर बादाम का पाउडर यानी कि आलमंड पाउडर ऐड करूंगी, क्योंकि हम बना रहे हैं बादामी कोरमा, तो इस वजह से मैं ये भी देखने गाइस देखने आप गाइस हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे, और खाना हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं गाइस बहुत ज्यादा स्मूथ सा मैंने कोरमा बनाया है, और अब इसको निकाल लेते हैं क्योंकि मेरी मम्मा कह रही है तुम कब से खाना बना रहे हो और कहाँ रह गए हो, तो बस हम इसको निकाल के डिश आउट कर लेते हैं जल्दी से। ये बिल्कुल खतीजा भाजी की तरह कोरमा लग रहा है गाइस, मुझे लगता है कि मुझे बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मेरा बुरा हाल हो रहा है। गाइस कोरमा बन चुका है, आपको दिखाते हैं इसकी लुक, ये देखिए तो प्यारा बना है। खदीजा बाजी की कुकिंग बहुत अच्छी है, ये देखिए देख सकते हमारे हाथों से तो प्यारा यही लग रहा है। गाइस देखिए हम मैंने इसको सब कुछ कर भी लिया है और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कोरमा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोबारा से हमारे चैनल को लाइक कर दें और दिखा देते हैं, ये वैसे रोशनी में खराब है। गाइस ये देखिए गाइस कितना प्यारा हो रहा है, गाइस मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, चलिए गाइस अब एंडिंग शुरू हो रही है, तो ये हमारी सिस्टर खदीजा बाजी एंड करती हैं, चलें।
तो अभी हम एंड नहीं कर रहे, अभी हम आपको अब हम तीनों एंड करेंगे वीडियो, क्योंकि हम बस खाना खाने से जल्दी से एंड कर देंगे वीडियो। गाइस मेरे से सबर नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूं। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब पता नहीं कि क्या हो रहा है। तुम्हें क्या गाइस, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया हूं खाना। ओहो ऐसे नहीं करो। तो गाइस तो अब इनसे पूछते हैं कि खाना कैसा बना था। अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। अच्छा नहीं बना था, बहुत अच्छा बना था गाइस। और खाली जब खाना बनाया कोरमा वो भी। लेकिन कोरमा बड़ा अच्छा बना है, और खाने का दिल कर रहा है, लेकिन अब बस हमारी बस हो गई है गाइस। तो हम लोग और अच्छा गाइस अब हम चलते हैं। आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, और अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय।